कोरबा जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को लेकर डीजे पर फिर पाबंदी लगने से संचालकों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। डीजे संचालक बड़ी संख्या में कलेक्टोरेट के सामने प्रदर्शन किया। डीजे संचालकों ने प्रदर्शन से कोविड नियमों के साथ डीजे की अनुमति देने की मांग की। यदि 2 दिन के भीतर उनकी मांग पर पहल नहीं की जाती है तो संचालकों ने परिवार सहित उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। जिले में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है। हर दिन मरीजों की बढ़ती संख्या ने प्रशासन को चिंता में डाल दिया है। प्रशासन की ओर से कोरोना की रोकथाम के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं कुछ अन्य सेवाओं पर पाबंदी लगाई गई है, जिसमें डीजे का संचालन भी शामिल है। डीजे के संचालन पर रोक लगने से संचालकों में आक्रोश व्याप्त है। इधर धारा 144 जिले में लागू होने से भीड़ इकट्ठा होने पर रामपुर पुलिस ने चौकी में तलब कर धारा 144 उल्लंघन नहीं करने की समझाइश दी है। समस्या हमको भैया ये है कि हम कोरोना बढ़ रहे करके पता चला छत्तीसगढ़ में, तो बोले कि भाई डीजे साउंड बंद। हमको लगा कि भाई डीजे से ही कोरोना होता है क्या? आप बताओ भाई, डीजे से कोरोना होता है क्या? नहीं। आप भी ड्रेस में है, डीजे से कोरोना नहीं? परिवार का पालन के लिए आदमी को सभी को जरूरत है। दारू भट्टी 144 में होली में लागू थी, 144 धारा होली में लागू थी। दारू भट्टी खुली थी, बाजार खुली थी, आपका चिकन मटन की दुकान खुली थी। शायद 144 धारा में 5 आदमी एक साथ नहीं रह सकते, ऐसा कुछ है। वहाँ तो 100-100 की जनसंख्या थी। और हम साल इसी माह से अप्रैल में शायद हमारी लॉकडाउन लगी थी, तो हम इसी कोरोना को झेलते झेलते सहा है हमने। साउंड चला ही नहीं हमारा, और हमारे साथ 4 ऑपरेटर चलते हैं, उनका भी परिवार चलता है हमारे साथ। तो तकलीफ इसी बात की है कि अगर लॉकडाउन कर लिए तो पूरी तरह से कर दें, बंद होना चाहिए, सभी चीज़ बंद होना चाहिए। हमको डीजे चलाने की अनुमति नहीं देते हैं किसी चीज़ में, तो कोरोना हर चीज़ में कोरोना है। मेडिकल खुला हुआ है, वो तो अलग चीज़ है कि मेडिकल दवाई गोली के लिए खुला है, दारू भट्टी खुला हुआ है, सभी जगह पर कोरोना है। होटल भी खुला है, खाली पार्टी, डीजे सिस्टम, खाली इसी में कोरोना है क्या? हम बोलते हैं ठीक है, हम कड़ाई का पालन करेंगे, 144 धारा जो लगा हुआ है उसका पालन करते हुए हम चलाएंगे डीजे को। शादी में 50 में चलाएंगे, सैनिटाइजर देंगे, मास्क देंगे। भाई खाली डीजे और बैंड पार्टी वाले को ही ऐसा प्रताड़ित कर किया जा रहा है। अगले सालों से भी बंद है, इस साल भी अप्रैल में अगर लॉकडाउन लगाया गया, 144 धारा लगाई हुई है, तो हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा सिस्टम चले, हमारा जीवन पर आगे चले, हमारे साथ में जो परिवार है अगर ऐसा नहीं करते हैं हमारे निर्णय में न्यायालय में आज भी, अगर हमको सहमति नहीं करते हैं तो हम अपने घर परिवार को ला के बैठाएंगे। भाई अगर आपको सिस्टम भी चला कर 20,000 रुपये हमारे अकाउंट में डाल दें, हर महीना बैठे रहेंगे हम घर में, किस्ती में नहीं है भैया, किस्त में लेकर चल रहे हैं जिस सिस्टम को, कैसे करेंगे? कितने सालों से बैठेंगे? खाली एक ही सिस्टम तो एक ही है का मुद्दा तो हजारों मुद्दा है। मीडिया 4 सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट।